रीड द पैसेज क्वेश्चन जवाब दीजिए इन चार या पांच क्वेश्चन का तो पहले देखते हैं कि ये हमें कह क्या रहा है किस बारे में है कहाँ से ये कॉन्टेक्ट उठाया गया सो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इसका मतलब ये जो हमारा पैराग्राफ है ये किसके बारे में बात कर रहा है यूर इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है जहां पर ब्लड में से चंक्स में फिल्ट्रेशन होती है और जो हमें मिलता है फिल्ट्रेशन के बाद वेस्ट मटीरियल का झुंड या फिर वेस्ट मटीरियल का

वो सारा ब्लड नहीं है दैट इज जस्ट 1/5th ऑफ द ब्लड व्हिच इज पंपड आउट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल नाउ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर अब ग्लोमेरुलस में एक आ, प्रेशर होता है ठीक है जब ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तो देयर इज अ प्रेशर क्रिएटेड इन द ग्लोमेरुलस जिसकी वजह से ब्लड को धक्का दिया जाता है बोमनस कैप्सूल की तरफ और तभी फिल्ट्रेशन

ग्लोमेरुलस देन यहां पे हम बात करेंगे बोमिन्स कैप्सूल की और इनके बीच में लाई करता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है जी तो इन तीनों लेयर्स के थ्रू ब्लड की फिल्ट्रेशन होती एपिथेलियल सेल्स ऑफ द कैप्सूल आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स अब एक अच्छी बात बताती हूँ कि यहां पर कुछ सेल्स प्लेस्ड होते हैं जिन्हें हम पोडोसाइट्स बोलते हैं ठीक है सो एपिथेलियम ऑफ बोमनस कैप्सूल हैज सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स दीस पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो हैस टू लीव सम मिन्यूट स्पेसेस जिसे फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स कहा जाता है तो मतलब ये जो खाली जगह है दिस एम्प्टी स्पेस दीस एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज स्लिट पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स ब्लड इज फिल्टर्ड

अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तभी जो ये यूरिन का फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है क्योंकि बहुत बारीकी से ब्लड को फिल्टर किया जाता है ठीक है जी चलिए अब इसी के बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस है केस स्टडी के जैसे व्हाट इज द ब्लड फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी पर मिनट हर मिनट में वो कितना ब्लड फिल्टर कर रही है हमने अभी केस स्टडी में पढ़ा था 1100 टू 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड तो वो उन्होंने यहाँ पे लीटर में मेंशन करके दे दिया आप ऐसे भी लिख सकते थे इलेवन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड मिली लीटर ऑफ द ब्लड आउट पर ठीक है जी हाउ मच ब्लड ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज हमारे ब्लड कितना होता है हाउ मच ब्लड एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज अब जब वन इतना तो उसका वन फिफ्थ है उ so मेनीय हमने तीन लेयर पढ़ी एंडोथिलियम ऑफ ग्लोमेर फिर बीच में बेसमेंट मेम्रेन एंड एपीथिलियम ऑफ वोमसूल राइटर इन फ्रंट ऑफ यू करेक्ट उसी से आंसर हमारा बन के आ गया नेम एपिथेलियल सेल्स ऑफ कैप्सूल के लाइनिंग के अंदर कौन से सेल्स थे पोडोसाइट्स और बीच में स्पेसेस थी फिल्ट्रेशन स्लिट्स व्हाट मटेरियल ऑफ प्लाज्मा कैन नॉट पास एक चीज पास नहीं हुई थी दैट वाज प्लाज्मा प्रोटीन्स यस करेक्ट प्लाज्मा सो दैट्स ऑल एंड दैट वाज अबाउट दिस केस स्टडी We have completed this. I hope you understood how to attempt the case study questions. First, you have to read the passage very, very carefully. That's all. Thank you so much.